Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. This is our lecture number 2. Students, social studies का lecture number 2 है हमारा. हम lecture number 1 में हमने lesson number 1 के difficult words reading और question 2 question answers किए थे. ठीक है, आज हमने next reading करनी है, next working करनी है. So open the page number 2. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 में हमने सिंबल्स कर रहे थे, हम पाकिस्तानी सिंबल्स कर रहे थे, जिसमें से हमने नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम कर चुके थे. आज हमने सेकंड सिंबल इज़ करंसी. आर करंसी इज़ द पाकिस्तानी रुपी. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूज़ द करंसी. ऑल बैंक नोट फीचर अ पोर्ट्रेट ऑफ कायद अजम. 1, 2 and 5 रुपीज़ आर ऑल्सो यूज. द सिंबल फॉर रुपी इज़ RS. स्टूडेंट्स, आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है पाकिस्तानी करेंसी कौन सी होती है. पाकिस्तानी करेंसी इज़ रुपीज़. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेट बैंक जो है वो इस करेंसी को शो करवाता है. ठीक है, इस करेंसी पर कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर ड्रॉ की जाती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी को शो करवाता है. ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर हम कॉइन लें तो कॉइन पर भी कायद अजम की, क्योंकि कायद अजम को हम क्यों शो करवाते हैं, क्योंकि कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी जदोजहद की पाकिस्तान को हासिल करने के लिए. ठीक है, क्योंकि वो हमारे ग्रेट रहनुमा हैं, ग्रेट लीडर थे, ग्रेट रहनुमा थे, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में बहुत हेल्पफुल जो पार्ट है, वो रोल है जो प्ले किया है उन्होंने. नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है, दैट इज़ रिलीजन, लैंग्वेज एंड ड्रेस. अब हम नेशनल लैंग्वेज, रिलीजन और ड्रेस के बारे में बात करते हैं. मोस्ट पाकिस्तानीज आर मुस्लिम. इस्लाम इज़ अ स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान. इस्लामिक वैल्यूज़ आर पार्ट ऑफ आर वेज ऑफ लाइफ. उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, बट मैनी अदर रीजनल लैंग्वेज आर ऑल्सो स्पोकन. और नेशनल ड्रेस इज़ शलवार कमीज, वॉर्न ऑल आर पाकिस्तान विद डिफरेंट स्टाइल. स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में जो रिलीजन है, नेशनल रिलीजन, वो कौन सा रिलीजन है? शाबाश, दैट इज़ इस्लाम. इस्लाम इज़ द नेशनल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान. और नेशनल लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान की? वेरी गुड, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू. एंड नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज़, शाबाश, शलवार कमीज इज़ आर नेशनल ड्रेस. ठीक है स्टूडेंट्स, शलवार कमीज़ को डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट स्टाइल्स के साथ पहना जाता है. ठीक है, अब हम कुछ इसके अलावा कुछ और सिंबल्स के बारे में, पाकिस्तान के सिंबल्स के बारे में रीड करते हैं, उनके पिक्चर्स को देखते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 पर हमारे पास है स्टूडेंट्स सम सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान. स्टूडेंट्स, इन पिक्चर्स को देखेंगे आप. सबसे पहली पिक्चर है हमारे पास फ्लावर की, और इस फ्लावर का नेम है जैस्मिन, जो कि पाकिस्तान का नेशनल सिंबल है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड, नेशनल बर्ड. इस नेशनल बर्ड का नाम है चौकर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एनिमल कौन सा है नेशनल सिंबल्स में? वेरी गुड, मारकोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट हमारे पास पोइट हैं, शायर हैं, और हमारे कौमी शायर कौन से थे? इलामा इकबाल इज़ आर नेशनल पोइट. हमारा नेशनल प्ले कौन सा है, नेशनल गेम कौन सा है? शाबाश, हॉकी इज़ आर नेशनल प्ले. ठीक है स्टूडेंट्स, हॉकी जो है वो हमारी नेशनल प्ले में है. और सबसे जो नेशनल हमारे पास और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जानवर कौन सा, सॉरी फ्रूट कौन सा है? दैट इज़ मैंगो. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ नेशनल सिंबल्स थे पाकिस्तान के. नीचे स्टूडेंट्स देखें रीकैप में, नेशनल आइडेंटिटी गिव्स अ सेंस ऑफ नेशन. नेशनल आइडेंटिटी जो है वो हमें नेशन की सेंस देती है, बताती है कि हम किस नेशन से रिलेट करते हैं. नंबर 2,
Every country has its own national symbol, national heroes, some other unique things that make its national identity. The flag, students, हर कंट्री के अपने सिंबल्स होते हैं, अपनी अलामत होते हैं, और हर कंट्री के अंदर उसके नेशनल हीरोज़ भी होते हैं और डिफरेंट यूनिक चीज़ें होती हैं जिससे पहचाना जाता है, जिसे आइडेंटिटी की जाती है, पहचाना जाता है कि हम किस कंट्री से रिलेट करते हैं. नंबर थ्री इज़ द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ ग्रीन एंड वाइट. पाकिस्तान के फ्लैग में दो कलर्स होते हैं, दैट इज़ ग्रीन एंड वाइट विद अ क्रीसेंट एंड अ स्टार, जिसमें क्रीसेंट और स्टार बना होता है. और नेशनल एंथम इज़ पाक सर ज़मीन शाद बाग इज़ प्रेयर फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान. स्टूडेंट्स, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली, जिसमें नेशनल एंथम में हम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करते हैं. इस्लाम इज़ द स्टेट ऑफ रिलीजन ऑफ पाकिस्तान. उर्दू इज़ आर नेशनल लैंग्वेज एंड कमीज़ शलवार इज़ आर नेशनल ड्रेस. हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और नेशनल ड्रेस कौन सा है? शलवार कमीज़. शाबाश स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई है. और एक और चीज़ जो डिड यू नो में हमें बताई गई है, दैट इज़ फैसल मस्जिद इज़ इन इस्लामाबाद इज़ द नेशनल मस्जिद ऑफ पाकिस्तान. नेशनल मस्जिद एक तो इस्लामाबाद में बनी है, ठीक है, बिल्ड उस इस्लामाबाद में किया गया, और दूसरा ये मस्जिद पाकिस्तान की नेशनल मस्जिद है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4, फिर पर हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इस रीडिंग से रिलेटेड. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 करेंगे हम. आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उस वहाँ से देखकर आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न करेंगे और अपनी सोशल स्टडी की नोटबुक पर, स्कूल की नोटबुक पर उसको राइट करेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में. नंबर 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट थिंग मेक अप द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ कंट्री. कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान मतलब नेशनल आइडेंटिटी शिनाख्त को बनाती है, कौमी शिनाख्त को एक मुल्क में, ठीक है. नंबर 4 क्वेश्चन इज़ व्हाट थिंग्स मेक पाकिस्तान डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशंस. पाकिस्तान को कौन सी चीज़ें दूसरे मुल्कों से डिफरेंट बनाती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स आज कंप्लीट हुए. इसके साथ हम बुक वर्क करते हैं. द ग्रीन पार्ट इज़ अ पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट्स. जो पाकिस्तानी फ्लैग में ग्रीन पार्ट होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स या हिंदस? यस, वेरी गुड, वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. नंबर 2 इज़ द डैश इज़ द करेंसी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है स्टूडेंट्स? रुपीज़ पे टिक करेंगे. इन ब्लैंक्स में भी आप राइट करेंगे इनको. डैश इज़ आर नेशनल पॉइंट. हमारा नेशनल पॉइंट, पाकिस्तान का नेशनल पॉइंट कौन सा है? वेरी गुड, इलामा मोहम्मद इकबाल. द डैश इज़ आर नेशनल एनिमल. मारखोर इज़ आर नेशनल एनिमल. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे जिनको आपने टिक करना है और इन ब्लैंक्स में नीट एंड क्लीन राइट करना है. अब हम ट्रू फॉल्स की तरफ मूव करते हैं. ट्रू फॉल नंबर 1 इज़ पाकिस्तान नेशनल एंथम इज़ अ प्रेयर फॉर कंट्रीज प्रोस्पेरिटी. क्या हम पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए नेशनल एंथम पढ़ते हैं? यस, इसके लिए आप टी भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इस्लाम इज़ अ स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान. स्टेट पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन क्या है? यस, वेरी गुड, इस्लाम ही है. इट मींस ये ट्रू है, इस पर आप टी भी राइट कर सकते हैं एंड टी टिक भी लगा सकते हैं. नंबर 3 इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान इज़ ट्राउज़र एंड शर्ट. क्या पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस ट्राउज़र एंड शर्ट है? नो, तो फिर क्या है? शलवार कमीज़. इट्स मीन ये हमारा फॉल्स हो गया. क्रॉस भी लगा सकते हैं और आप इसके लिए एफ बी लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ फील्ड हॉकी इज़ पाकिस्तान नेशनल स्पोर्ट. क्या हॉकी फील्ड जो है वो नेशनल स्पोर्ट है, नेशनल गेम है हमारा? यस, हॉकी इज़ आर नेशनल प्ले, नेशनल गेम. इसके लिए हम क्या लिखेंगे? टी. जी स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेसन वाइंड अप हो गया है, हमने इसकी तमाम चीज़ें कर ली हैं. स्टूडेंट्स, आप नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा. नोट्स से देखकर आपने क्वेश्चन आंसर्स को राइट करना है अपनी नोटबुक पे. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.